Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Namaskar, I am Ravi Sharma and you are watching Fast Bite. आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेरठ में करीब 300 नर्सिंग होम संचालित हो रहे हैं। इनमें से मात्र 120 ही मेरठ नर्सिंग होम एसोसिएशन के सदस्य हैं, बाकी नहीं। एसोसिएशन अध्यक्ष ने आज स्पष्ट दावा किया कि बाकी नर्सिंग होम संचालकों ने जैसे तैसे सीएमओ ऑफिस से लाइसेंस ले लिया है। ये वह नर्सिंग होम है जो एसोसिएशन द्वारा निर्धारित मानक पूरे नहीं करते। ऐसे नर्सिंग होम से न सिर्फ चिकित्सकों का पेशा बदनाम हो रहा है बल्कि मरीजों की जान भी खतरे में है। एसोसिएशन के इस दावे के बाद सीएमओ विभाग सवालों के घेरे में आ गया। बिना मानक पूरे किए नर्सिंग होम कैसे संचालित हो रहे हैं, यह बेहद गंभीर व संगीन सवाल है। हालांकि बिना मानक पूरा किए चल रहे नर्सिंग होम में इलाज करने वाले चिकित्सकों के खिलाफ एसोसिएशन अध्यक्ष और आईएमए ने कोई कदम उठाने से इनकार कर दिया। सपा विधायक अतुल प्रधान व न्यूट्रीमा हॉस्पिटल विवाद के बाद चिकित्सकों की भूमिका दवा की कीमत के खेल में संलिप्त होने व लिखी गई दवा केवल चुनिंदा मेडिकल स्टोर पर मिलने को लेकर आमजन में चर्चा शुरू हो गई है। आज इस सिलसिले में दवा व्यापारियों व आईएमए और मेरठ नर्सिंग होम एसोसिएशन के बीच उत्पन्न गतिरोध समाप्त करने के लिए बैठक आहूत की गई थी। इस दौरान मेरठ नर्सिंग होम एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर शिशिर जैन ने यह खुलासा किया कि मेरठ में 180 नर्सिंग होम बिना मानकों को पूरा किए सीएमओ की कृपा से संचालित हो रहे हैं। देखिए ऐसा है, मैं इस समय मेरठ नर्सिंग होम एसोसिएशन के अध्यक्ष की तरह कार्य कर रहा हूँ, हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया यूपी का सेक्रेटरी हूँ। एक्चुअली क्या है कि हमारे मेरठ में अस्पताल हैं 300, पर उसमें से हमारे मेरठ नर्सिंग होम एसोसिएशन के 120 सदस्य हैं। हमारे अस्पतालों के जो मानक हैं हमारे मेरठ नर्सिंग होम एसोसिएशन के, वो थोड़े हमने हाई रख रखे हैं, जिससे कि वहाँ पर एक बेसिक फैसिलिटीज़ हों जिससे हमारे किसी भी पेशेंट का गलत इलाज ना हो और पेशेंट को फ़ायदा मिले, अच्छा और सुलभ और सस्ती दरों पे उसका इलाज भी हो सके। पर बाकी जो 180 हैं वो हमारे मेंबर इसलिए नहीं बन पा रहे, वो हमें अप्रोच करते हैं पर उनके मानक हमारे हिसाब से पूरे नहीं हैं तो हम उनको मेंबर नहीं बनाते। पर हम सीएमओ के यहाँ कई बार जाकर बता चुके हैं, उनको कह चुके हैं कि आप इनको लाइसेंस देने से पहले या रजिस्ट्रेशन करने से पहले इनके मानकों को ठीक से जांच करें, तभी इन्हें आप रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस दें। देखिए ऐसा है, जो हमारे नर्सिंग होम एसोसिएशन के मेंबर नहीं हैं, मेरी भी जानकारी में है कई अस्पताल जिन जो कि इस तरह करते हैं कि उनका एक दिन का बिल इस तरीके का बन जाता है, पर उन अस्पतालों को, ज़्यादातर अस्पतालों को हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स या MBBS या MD डॉक्टर्स नहीं चला रहे। नर्सिंग होम एसोसिएशन या IMA के पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तो है नहीं कि हम उन्हें कहें। हम सीएमओ को कई बार अप्रोच कर चुके हैं, हमने कहा है कि आप उनके मानकों की जानकारी करें, उनके मानकों को परखें और अगर उनमें से कोई आपको कुछ बेसिक मानक भी नहीं मिल रहे हैं तो आप उनको लाइसेंस ना दें या उनके लाइसेंस निरस्त करें। जो लोग नए डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अभी भी प्रैक्टिस शुरू की है, 10 साल के बाद वो 10, 12, 13 साल के बाद वो आते हैं मार्केट के अंदर काम करने के लिए, और जब वो आगे अपनी क्लिनिक खोलते हैं, आजकल एक क्लिनिक खोलने के लिए भी लगभग 1 करोड़ रुपये लगते हैं और उनके पास क्लिनिक में अपने जो असिस्टेंट है उसको देने के पैसे नहीं होते, बिजली का बिल भरने के पैसे नहीं होते, तो उनकी बड़ी मजबूरी हो जाती है कि इस तरह के अस्पतालों में उनको विजिट करना पड़ता है और जा करके ऑपरेट करने पड़ते हैं। कहीं ना कहीं से तो उन्हें अपने खर्चे निकालने, और बेसिकली वो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, वो अगर ऑपरेशन करने जा रहे हैं किसी गॉल ब्लैडर का तो उसके पास एक योग्यता है जिसके कारण वो कर रहा है, तो उसमें थोड़ी सी उनकी ये मजबूरी हो जाती है। पर अगर इस तरह के अस्पताल नहीं होंगे तो क्या होगा कि वो मरीज भी हमारे अस्पतालों में या जो हमारे 120 मेंबर हैं, मैं ये नहीं कह रहा उन्हें बंद करो, मैं ये कह रहा हूं कि आप उनके बेसिक मानक पूरे करो और उन 180 में से आप समझो कि 120 को भी अगर बेसिक मानकों के हिसाब से देंगे तो मरीज की भी सेवा अच्छी हो जाएगी और जो हमारे नए डॉक्टर्स हैं उन्हें कार्य भी मिल जाएगा। एक और बात है, जो मेडिकल स्टोर हॉस्पिटल के अंदर भी हैं, आप ये ना सोचें कि वो सारे के सारे ओन्ड बाय डॉक्टर्स ही हैं, वो किसी को दिए हैं, दे रखे हैं और वो लोग चला रहे हैं उसको, वो हमारे केमिस्ट एसोसिएशन के या ड्रग एसोसिएशन के मेंबर्स ही तो। और ये चीज़ से आप बेफिक्र रहिए, हम तब भी हर पेशेंट को डिस्काउंट करते हैं, हमारे मेंबर्स हर पेशेंट को डिस्काउंट करते हैं और हमारे IMA है, नर्सिंग होम एसोसिएशन है, इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली हम लोग बोलते हैं कि अगर किसी को डिस्काउंट कराना है तो वहाँ पर तोड़फोड़ हल्ला अराजकता ना फैलाए,
आप मेरे से अगर डिस्काउंट कराना चाहेंगे या एक्स वाई जेड किसी भी डॉक्टर से, सुबह आपका पेशेंट डिस्चार्ज होता है और अगर आप शाम तक वहाँ आए आपका 40,000 का बिल है, आप हाथ जोड़ के बार बार कह के आप उसे 25,000 में भी ले जा सकते हैं। पर अराजकता फैला के, गुंडागर्दी करके, अब ना तो आईएमए झुकेगी ना नर्सिंग होम एसोसिएशन झुकेगी। ठीक सर, एसोसिएशन से मेरा एक सवाल था, पर वो 180 भी इस साइड में आ सकते हैं मानक पूरे करें, तो क्या उन मानक में और जो सीएमओ या जो शासन ने जो मानक तय किए हैं क्या उसमें कुछ डिफरेंस है? देखिए मैं बताता हूँ, मानक अभी हमारा नर्सिंग होम एसोसिएशन कोई एक्ट शासन की तरफ से नहीं है। अब लेटेस्ट शासन की तरफ से एक एक्ट आया है CEA, क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। तो अब क्या है, बहुत सारे अस्पताल जो 50 बेड से ऊपर गए हैं वो तो CEA के अनुसार रजिस्टर्ड होते हैं, पर जो 50 बेड से कम के हैं वो CEA में अभी नहीं आते। ठीक है, तो वो जो मानक है जैसे जैसे करके CEA सब पे लागू हो जाएगा तो वो सब पे मानक वो पूरे हो जाएंगे। तो अभी 50 बेड से नीचे के उन पे लागू नहीं हो रहा है, तो उनको हम ही लोग बोलते हैं कि भाई आप पे डिफिब्रिलेटर भी होना चाहिए, आप पे वेंटिलेटर भी होना चाहिए, आपके पास मिनिमम ये गैजेट्स होने चाहिए। आपने एक बात और बोली कि जो नए नए डॉक्टर्स आ रहे हैं तो उनके सामने अपने जीविका कमाने के लिए एक उनका मजबूरी होती है कि वो ऐसे नर्सिंग होम में जाएं, तो इसका जो खामियाजा अल्टीमेटली उठाना पड़ रहा है पब्लिक को उठाना पड़ रहा है, तो क्या आईएमए ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करेगा जो उन नर्सिंग होम में जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं उनमें ना जाए? नहीं नहीं, वो अवैध रूप से संचालित नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनको सीएमओ ने रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस दिया है, और जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो बाकायदा MBBS MD की रिकॉग्नाइज कॉलेज से डिग्री लेके आए, तो वो तो अपना काम कर रहे हैं वहां। भाई आईएमए का आरोप गलत है, मैंने आपको बोला कि सीएमओ तो गलत चल रही है। नहीं नहीं, बेसिक डिग्री नहीं करेगा, अधिकृत डॉक्टर क्यों जा रहा है? नहीं नहीं, देखिए पता ना उसमें मानक है या नहीं। देखिए सुनिए, लाइसेंस एसोसिएशन क्या कर रही है, लाइसेंस तो सीएमओ ने दिया ना, उसको रजिस्ट्रेशन तो सीएमओ ऑफिस से मिला। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट। नमस्कार।